بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الاول والاخر والظاهر والباطن والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا ابي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواهنا وأرواه العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وإترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا حتى يرد علي الحوز وقال الإمام الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصير بصيرة جدي رسول الله وأبي علي ابْنِ أبي طالب صلوات इल्तम <णत्ति> <णति> सर फ़ातिया की तमाम मोमी नमामनात के लिए तमाम कराम मराजे एजाम तमाम शहदा मिल्लत के लिए हम सबके आबा उजदाद और आयजा और रिश्तेदारों के लिए रहमल मनकर <णति> <णति> किसी भी नबी ने कभी भी कुछ नहीं मांगा मांगा तो अशरफुल अम्बिया ने मांगा और वो भी बेहुक्म खुदावन तबारक व ताला मांगा और उस मांगने का जिक्र सिर्फ रवायात में नहीं है कि उन्हें ज़यीफ़ कह के फरामोश कर दिया जाए उस मांगने का जिक्र क़र मजीद में हैजरन अलमदिलबा के अः मेरे हबीब कह दो कि मैं तुमसे अपनी रिसालत की कोई भी उजरत किसी भी कस्म की तलब नहीं करता मगर ये कि मेरे क़ुरबा से मबदत करो। जब आप दुनिया से जाने लगे तो आपने तवज्जो दिलाई कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्रह कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ एक किताब खुदा दूसरे मेरे अहल बैत जब तक तुम इन दोनों से वाबस्ता रहोगे उस वक्त तक गुमराह ना होगे यहाँ तक कि ये दोनों मेरे पास हौज़े को पर पहुँच जाएंगे फिर सकलैन पर सख्तरीन वक्त आया कुरान पर भी हमले हुए कुरान भी नेजों पर चढ़ाए गए तो दूसरी जानब सकलैन को भी कत्ल किया गया जेलों में डाला गया असीर किया गया इमाम हुसैन का सर नौके नेजा पर बुलंद हुआ रसूल की नवासीियों को असीर किया गया और जब इमाम मदीने से निकल रहे थे तो इरशाद फरमाया कि मैं अकड़ तकबर फसाद या जुल्म के लिए मदीने से नहीं निकल रहा मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जद कि उम्मत की असलाह के लिए निकला हूँ मैं चाहता हूँ कि अमर बिलमारूफ करूँ नहीं अल मुनकर करूँ अपने जद रसूल अल्लाह और अपने वालद की सीरत पर अमल करूँ खुदावन तबारक व ताल्र है कि उसने हमें तोहफ़ी क़ता फ़रमाई कि रसूल की रसालत की उजरत को मबदत अहिल के ज़रिए से अदा करें हमारे आबाव करते रहे अल्लाह सुबहाना व का तालक्र है कि हम कर रहे हैं और दुआ है कि बेक महमदाल महमद खसूस खून मुकदस हज़रत फातिमा सलाम हमारी नस्लों को भी बैत अहिलत सलाम के साथ वाबस्ता रहने और उनका ज़िक्र करने और उनकी मबदत को अंजाम देने और इमाम ज़मान सलाम के असाब और अनसार में शामिल फ़रमाए इस दुआ की कबूलीत के लिए बर महम्मद वाल महमद सलाबात यही अजर रसालत अदा करते हुए अफ़गानिस्तान में ममिन पर हमला हुआ दो हमले हो चुके हैं कि जिसमें जो इतला है मुमकिन है कि आदाद व शुमार में इख्तलाफ हो जाहिर मीडिया में है कि पचास करीब ममिनत जख्मी हुई हैं और कुछ ममिन भी जख्मी हुए हैं और आई एस आई एस वालों ने इसको हमले की ज़िम्मेदारी को कबूल किया है अब अफगानिस्तान में जब शिया मारे जाते हैं वो आई एस आई एस पर डाल दिए जाते हैं और तालिबान कहते हैं कि हमारा उनसे अख्तिलाफ है क्योंकि पहले भी हमने तवज्जो दिलाई थी कि हमारी कोशिश होती है कि जो भी वाक़ या चीज़ हो कि जिसका तल्लुक अहिल के मकतब से हो उस जानब तवज्जो दिलाई जाए दूसरी जानब हम देखते हैं कि गजा में इसराइल ने हमला किया है कि जिसमें अब तक तकरीबा जो अभी हम खुद चेक कर रहे थे तो सत्ताईस अफराद का है गजा अलग है वेस्ट बैंक अलग है गजा मुख्तसर सा इलाका है कि जहाँ पर हमास के पास है हुकूमत और वेस्ट बैंक बड़ा इलाका है कि जहाँ पर यासर रफात के तरफ़दारों की पावर है वहाँ पर यानी वेस्ट बैंक में बॉखज़ अहल या तो नहीं है या इंतहाई कम है गजा में बहुत जहल बैत वाले हैं क्यों? कि वहाँ पर सल्फियत और बहाबियत है तो पहले हम तवज्जो दिलाएँ कि हमारे यहाँ भी गजा का ज़्यादा जिक्र किया जाता है और करना चाहिए लहजा लफ्ज़ ज़्यादा को इस्तेमाल किया है हमने हमने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ गजा का जिक्र किया जाता है तो गलत है न ज़्यादा किया जाता है होना चाहिए कश्मीर का भी ज़िक्र हो गजा का भी हो लेकिन पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के अहले बैत के चाहने वालों को नहीं भुलाना चाहिए और ये भी याद रखें कि गजा हो या कश्मीर हो और पाकिस्तान हो अफ़ग़ानिस्तान हो ये दो अलग अलग केसेस हैं मीडिया वाले भी बदमाशी कर रहे हैं और हमारे तो कर ही रहे हैं अफसोस के साथ कि हमने पहले भी तवज्जो दिलाई थी कि इराक़ में इसपाइगर के मकाम पर जुलाई 2014 में दुनिया में सबसे बड़ा क़त्म हुआ तालब इलों का एक हज़ार सात सौ स्टूडेंट कत्ल किए गए एक हज़ार सात सौ ये ज़िम्मेदारी आप सबकी इन चीज़ों को मशहूर करें लेकिन दुनिया में किसका ज़िक्र होता है पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल का एक सौ पंद्रह बच्चे वो भी हमारे बच्चे थे उनके मारने वाले भी देवबंदी थे आसमान से नहीं आए थे हमारे बच्चों को मारने वाले भी ये देवबंदी और सेल्फी मकतब फिक्र के थे एक हज़ार सात सौ थे मगर वो ये स्पाइगर की कैडिट कॉलेज पर हमला किया था पंद्रह साल से बीस इक्कीस साल के बच्चे थे कुछ उसमें बड़े भी थे लेकिन एक हज़ार सात सौ में से अक्ला एक हज़ार छः सौ पचास बच्चे थे लेकिन उसको खुद हमारे लोगों ने भी जिक्र नहीं किया क्या तब होगा क्या तब होगा अपनी मजलूमियत को बयान करना तस्ुब है तस्ुब यह है कि हम ये कहें कि जी अब किसी और मजहब के बच्चों को मारो हम खुल के कहते हैं किसी भी दीन मजहब के अफराध का कत्ल सही नहीं है और दुश्मनों ने क्या कहा कि ये फौजी थे ना फौजी नहीं थे कैडेट कॉलेज अलग होता है फौजी अलग होते हैं तो हमारे लोगों की यह नादानियों का नतीजा है क्योंकि इस तवज्जो नहीं देते उन्हीं नादानियों का नतीजा यह है कि कश्मीर को गज़ा को पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान को एक लेवल में रखते हैं यह गलत है कश्मीर एक रियासती मसला है मज़हबी मसला नहीं है कश्मीर का जैसे मसला है वैसे बलोचिस्तान का मसला है इसमें भी लोगों की ज़बान नहीं चलती है बलोचिस्तान का मसला मजहबी नहीं है रियासती मसला है कश्मीर का मसला मज़हबी नहीं है रियासती मसला है इसराइल का मसला मजहबी नहीं है रियासती मसला है लेकिन पाकिस्तान में जो लोग मारे गए दुनिया में सबसे बड़ा फिगर है दीन के नाम पर मजहब के नाम पर मारे गए हैं। अफगानिस्तान में जो मारे जा रहे हैं वो मजहब के नाम पर मारे जा रहे हैं ये शऊर हमारे अफराद में होना चाहिए यह शऊर दूसरे अफराद नहीं पेश करेंगे आपको दूसरे अफराद सुलाएंगे आपको यहां पर सवाल किया जाता है क्या कितनी बड़ी तादाद में शियत के नाम पर क्या कश्मीर में मारे गए लेकिन हम कहेंगे कि हां मारे गए लेकिन इंडियन आर्मी के हाथों नहीं है कश्मीर में शियों के दस ताराज हुए याद रखें, दस कतले आम मुनजम और वह सबके सब किए सब हैं मुतासबिन ने दुश्मना ने अहले ने और आज हमारे लोग उन्हीं मुतासबों को पावर दिलाना चाहते हैं पाकिस्तान में भी और कश्मीर में भी जिनको मुजाहिद कह के, के पेश किया जाता है उनके इलाकों में आजादारी नहीं हो सकती तो सोचें कि जब ये पावर में आ जाएंगे तो क्या होगा कश्मीर के मामन को भी शऊर नहीं है अगर वहाँ कोई आलिम गुफ्तु करता है तो उसके पीछे लग जाते हैं बाबा सवाल करो कि कश्मीर के वो लोग अगर मजलूम हैं हम सब मजलूमों के साथ हैं लेकिन सवाल करो कि कश्मीर के वो मुजाहिद कि जो अपने मोहल्ले से रसूल के नवासे का जुलूस नहीं गुजरने दे रहे कश्मीर के वो मुजाहिद मुजाह जो हुसैन का नाम लेना पसंद नहीं करते क्या उन्हें हक पहुँचता है कि वो इंडिया की मुखालफत करें जबकि यह अजीत के दफा करते हों इंडिया की मुखालफत जरूर करें मजलूमों की हिमायत जरूर करें लेकिन इंडिया की मुखालफत से पहले रसूल की नवासियों को असीर करने वालों की मुखालफत तो करो कश्मीर के मजलूमों की हिमायत से पहले रसूल के नवासे और नवासियों की हिमात तो करो क्या तुम अपनी मस्जिदों में रसूल के नवासे का परचम नस्फ करने दोगे किसी को बेशक या ना लिखो या से प्रॉब्लम है हुसैन तो लिखो हमारे वहां पे नादान लोग चाह रहे हैं कि इन मुतासिबों को हुकूमत दे दी जाए खुल के मौलवियों में भी जरूरत नहीं है बात करें हम करते हैं आखिर में आप उन मुतासिबों को मुजाहिद बना के कश्मीर पेश करना चाह रहे हैं कि जिन्होंने पहले दस दफा ताराज किया है शियों का तो कश्मीर का मामला अलग है यह हमने क्लियर कर दिया अब आ जाए इसराइल इसराइल में यहूदी अलग मामला है जाइनिस्ट अलग मामला है मिक्स नहीं करना चाहिए हमारे दीनदार लोगों को भी मौलवी मुल्लाओं को नहीं पता बाबा यहूदियों में भी फिरके हैं उनके जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो इसराइल की आर्मी में नहीं जाते हैं हराम समझते हैं उनके जो बाज मजहबी हैं वो इसराइल के अस्पतालों में बच्चा पैदा करना हराम समझते हैं उनके जो बाज मजहबी ऑर्थोडॉक्स हैं वो वाजे कहते हैं कि हमारा कोई मुल्क नहीं है वो वाजे कहते हैं फौज में जाना हराम है इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वहां पर जो जोश कम्युनिटी के ऑर्थोडॉक्स हैं वो स्कूल नहीं जाते सिर्फ तौरा पढ़ते हैं वो आर्मी में जाना हराम समझते हैं जायनिस अलग मौजू है यहूदी अलग मौजू है ये चीज समझनी चाहिए बिल्कुल वैसे ही जैसे इस्लाम अलग मौजू है देवबंदियात तो तालिबानियत अलकायदीत अलग मौजू है अगर हम ये परेशान हैं कि यूरोप वाले तमाम मुसलमानों को तालिबान और अलकायदा समझ रहे हैं तो आप भी तो इतने ही अकल के हैं आप भी तमाम यहूदियों को जायनिस समझ रहे हैं अगर उनमें अकल नहीं है तो आप में कहाँ अकल है अगर वो मुसलमानों पर जुल्म करने वालों को अच्छा कह रहे हैं क्योंकि मुसलमान दहशतगर्दे हैं तो आप भी तो यहूदियों पर जुल्म करने वाले हिटलर को अच्छा कह रहे हैं आपसे मुराद ना कि शिया अलहमद ला शिया हिटलर की तारीफ करते और नहीं करनी चाहिए लेकिन हमारे अहल सुन्नत तारीफ करते हैं हिटलर की क्यों यहूदियों के बॉक्स में कि जिसने टेक्नोलॉजी बनाई कि जो दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ जदीद टेक्नोलॉजी बनाकर अहतमाम करकर किसी कौम को इस तरह से कत्ल किया गया हो बस किसी के भी जुल्म की तइद नहीं होनी चाहिए लेकिन जो असल मसला है कि वो रियाती मसला है लेकिन पाक, इंडिया या अफगानिस्तान में मजहब के नाम पर मारा गया है और हंगामे हो रहे हैं अब ये कहा जाए कि जो आई एस आई एस वाले हैं तो सवाल यह पैदा होता है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त एफ आई आर कट रही है पंजाब में खसूसन वो किस बेस पर कट रही है वो किस बेस पर कट रही है शिव पर एफ आई आर लगातार अंदरूनी सेंध और पंजाब में आजादारी पर एफ आई आर कट रही है क्या गजा में नमाज पढ़ने पर एफ आई आर कटती है या मिसाल के तौर पर ख़ुद इसराइल में मुसलमानों को इबादत करने पर पाबंदी है या वेस्ट बैंक में पाबंदी है आंखें बंद कर लेने से मसाइल हल नहीं होते डिस्कस करना चाहिए हमारा पूरा एक डिस्कशन है कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली ने कहा था शत ख़त्म हो चुकी है और ये दो फ़िरक़े ख़त्म हो गए एक मिसाल के तौर पर ज़ाहिर बरेलवी को कहा था और एक शियों को ये मर गए ख़त्म हो गए अब कोई दुनिया में शिया नहीं होगा चलती फिरती लाश हैं तो हमने पूरी एक सीरीज़ बनाई थी मिस्र में शिया, अलज़ायर में शिया, त्यूनिस में शिया, फल में शिया काफ़ी थी तो उसमें मखसूस आप लोग जाके देखें फ़लस्तिन में शिया यही फ़लस्तन के हमास वाले कि जिनको ईरान ने भी सपोर्ट किया लुबनान ने भी किया अच्छा किया मज़लूम को करना चाहिए सपोर्ट लेकिन आपको तजुब होगा जब वहाँ पर कुछ लोग शीह हुए और उन शिया नौजवानों ने अपनी मलेशिया बनाई उन बनाने वालों में सर फहरिस्त है हिशाम सालिम। उस मलेशिया का नाम था इन चीज़ों को लिखें पढ़ें उस मलेशिया का नाम था असाबरीन 2019 में वो पूरी मलेशिया जो है ख़त्म कर दी नहीं मालूम उसके जवान ज़िंदा आँखें मार दिए गए किन लोगों ने यही इसमाइल हानिया ने और खालिद मशल की पार्टी अलहमास ने यहां इनको ख़त्म किया गया लेकिन इनका जिक्र फिर भी किया तो किसने किया या सिरारफात वालों में क्योंकि वो जरा लिबरल हैं। यानी हम लोगों का हाफजा इतना ख़राब है कि 2019 में हमारी पूरी मलेशिया गायब हो गई और हम जिक्र करने को तैयार नहीं है और हमने उसका जिक्र किया तो कहा जाए एजेंट है यानी अपना भाई अगर हमारा कत्ल हो जाए उसका हम जिक्र ना करें हमारे अफराद कतल हो जाएं उनका ज़िक्र ना करें उनको गायब कर दिया जाए उनका जिक्र ना करें तो जो कौम बेदार नहीं होती जो कौम अपने फ़ज़ाइल को नहीं जानती जो कौम अपने मसाइब को नहीं जानती जो कौम अपने दोस्तों को नहीं जानती जो कौम अपने दुश्मनों को नहीं जानती जो कौम अपने माजी को नहीं जानती जो कौम अपने हाल को नहीं जानती वो कौम हमेशा जलीलो रसवा होती है तो सबसे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है इस वक्त कि पाकिस्तान में और अफग़ानिस्तान में लगातार शियों को निशाना बनाया जा रहा है कत्ल किया जा रहा है और ये जो मुख्तलिफ़ मजाहिब वाले हैं इनकी टीम्स बनी हुई हैं धोखा नहीं खाना चाहिए किसी आदमी से कि वो आके हमारे साथ बैठे और किसी कॉन्फ्रेंस में आ जाए टीम ए टीम बी टीम सी टीम डी ये सब एक हैं और मारते हैं ये प्री प्लान काम करते हैं इनके चेहरे अलग अलग हैं ये पंजाब की यूनिवर्सिटियों में या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में इलेक्शन के वक्त बन जाते हैं जमीयत लेकिन योम इमाम हुसैन के दिन बन जाते हैं सिपाही सहाबा नई चीज़ों को फरामोश करना चाहिए नई धोखों में आना चाहिए लेकिन हाँ हम पर हमें किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए लेकिन जुल्म करने वालों को और उनकी साजिश साजिशों को जरूर पहचानना चाहिए और फिर हमें बताना चाहिए कि हम तुम कितने ही जुल्म कर लो लेकिन हम सिरात मुस्तकीम से हटकर तुम पर जुल्म नहीं करेंगे क्योंकि तुम मानने वाले हो माविया के और हम मानने वाले हैं अली अबन अबी तालिब के सलवाद पढ़े बर मोहम्मद व अली मोहम्मद ये जो कुछ हो रहा है हम तवज्जो दिला चुके हैं इन सब के आइडियल वही लोग हैं जिन्होंने बच्चों को भी बा किया जो सबब बने वाक़ करबला का कि तफसील से हम तोज्जो दिला चुके हैं और बार बार दिलाते हैं बताने के लिए कि याद रखें कि जिस मजहब या दीन के लोग भी दहशत गर्दों को आइडियल बनाएंगे उनके फ़ज़ाइल पढ़ेंगे उनके अमल को इस्लामी करार देंगे उनके अमल को हजत करार देंगे उनके अमल के ज़रिए से हराम वलाल निकालेंगे और जबकि वो जानते हों कि वहाँ पर बाज़ मर्दों ने भी और औरतों ने भी कत्लेम के बाज़ार गर्म किए दहशतगर्दी के बाज़ार गर्म किए उनको वो आइडियालाइज़ करते हैं तो उनमें ये दहशतगर्दी नज़र आना एक फितरी सी बात है और अगर आपको दहशत गर्दी ख़त्म करनी होगी तो पहले उन दहशत गर्दों की हैसियत को और अहमियत को चैलेंज करना होगा और बताना होगा कि ये अशरफुल लंबिया के खिलाफ थे जब उनका मकाम गिरेगा तो खुद ब खुद ये दहशत गर्दी का सिलसिला मुनकता हो जाएगा मौला आमिरम्न के मुकाबले में भी यही लोग थे और मौला अमीरुल उमिन का सिलसिला जो शुरू हुआ, हुआ जुल्म का वो भी वही नजरियात थे मौला अमिर के चाहने वालों के साथ जो हो रहा है वही सिलसिला चल रहा है जबकि मौला अमिरुम्न अशरफुलंबिया के खलीफ़ा और जानशीन थे और खलीफा और जानशीन के बारे में गाय ब गाय बताते रहते हैं कि हम एक ही हस्ती को खलीफा मानते हैं और उसी हस्ती को इमाम मानते हैं ये जहन में ना लाएँ कि हम खिलाफत को नहीं मानते ना हम खिलाफत को भी मानते हैं इमामत को भी मानते हैं मौला अमर उमौमिन ही को खलीफा मानते हैं उन्हीं को इमाम मानते हैं खलीफा इस एतबार से कि अशरफुलंबिया के, के खल्फ़ में थे यानी उनके जानशीन थे उनके सक्सेसर थे इमाम इस उनवान से कि वह तमाम मुसलमानों के पेशवा हैं और इमाम हैं लेकिन हैं ये एक ही ज़ात और हमेशा हमने तोज्जो दिलाई है कि इस तरह तस्वुर करें नबूबत इमामत और उम्मत। अब ये जो इमाम हैं ये खलीफा हैं नबी के नबी के जानशीन हैं नबी के सक्सेसर हैं नबी की जगह पर बैठकर दीन का दिफा करने वाले हैं बस ये खलीफा हैं रसूल अल्लाह के और ये इमाम हैं इस उम्मत के हम नहीं कह सकते कि मौला आमिरम्न खलीफा हैं किसके सॉरी इमाम हैं रसूल्ला कह सकते हैं यानी रसूल अल्लाह के कायद हैं रसूल अल्लाह के इमाम हैं रसूल अल्लाह को गाइड करते हैं ना बस ये इमाम हैं उम्मत के खलीफा हैं अल्लाह के बाद में खलीफा एक टाइटल बन गया हाकिम का वो बाद में हुआ जैसे रोमन एम्पायर में सिजर यानी कैसर वो एक टाइटल बन गया मिस्री एम्पायर में फिरौन मुसलमान बादशाहों के लिए खलीफा हो गया लेकिन खलीफा के असल माना है रसूल का जानशीन रसूल का सक्सेसर मौला अमीरमन के जिनकी सबसे बड़ी अफजलियत है मार्फत खुदाबंद तबारकवाल अब याद रखें कि तौहीद के ठेकेदार बने हुए हैं बहुत सारे लोग इसमें भी हमारी गलती है हमारी गलती क्यों है हमारी गलती इस वजह से कि वो शोर मचाते हैं जवाब नहीं देते हमें बताना पड़ेगा कि जो तोद अहलैत आलम सलाम ने दी उसकी कोई मिसाल नहीं है हमारे यहाँ तोहद तो दरीकत अहल बैत से है वहां पर रिवायतें हैं कि खुदाबंद तबारक वाली जो है उसकी गुंगरियाले बाल हैं मोटी मोटी रान बगैर दाढ़ी के है अमृत अमृत कहते हैं उस नौजवान को दाढ़ी ना निकली हो यानी जिनके यहाँ ये नजरिया हो अल्लाह सुबहानो तला के बारे में कि वो अमरद बगैर दाढ़ी मूछों का जैसे नौजवान घुंघरियाले बाल हैं मोटी मोटी राने अर्श पर बैठता है तो अर्श चर, चर करता है यानी उनको हमने मजाल दी हुई है कि वो हम पर एतराज़ करें अल्लाह व तला के बारे में जो मार्फत हमारे यहाँ है वो उनके है ही नहीं यही तो वजह हुई कि इमाम जान्दीन अल्लाम की दुआ को चोरी करके जो है वो खलीफा से मनसूब करना पड़ा नहीं है ना दुआ और हमारे यहां जो है वो पूरी लाइन लगी हुई है।, है ये सही पर सजा दिया है यह एक मजमु है इमाम जैन आब्दीन अल्लाम की दुआओं के और मजद मजमु हैं यह एक मजमु है जो जनाब ईसाबिन जैद के जरिए से नकल हुआ है वहीब्दीन की दुआओं का पूरा अशरफ अलंबिया की दुआओं का मजमूआ है मौलानी की दुआओं का मजमूआ है सही पे फातम आए सही पे हसनियाए सही पे हुसैनियां सही पे सज्जादियाए सही पे बाए पूरे सिलसिले हैं वजह यह है कि अल्लाह सुबहाना व तो राजे कर सकते थे वो तो वो कर ही नहीं सकते थे मिसाल के तौर पर दुआ कुमेल अब दुआए कोमैल को आमतौर पर जब नस्बत दी जाती है जनाब कुमैल से तो उसके माना यह हैं कि हम तक पहुंचने में जो एक वास्ता बने वो जनाब कुमैल बने लेकिन ये दुआ किससे उन्होंने ली मौला अमीर उमोमिन से लेकिन इससे ज्यादा अजीब बात है आपको ताजुब होगा दर हकीक़त ये दुआए खजर है यानी मौला आमिरम्न को इलम है कि जनाब खजर किन अल्फाज में अल्लाह से राजो न्यास फरमाते हैं जनाब खजर के अल्फाज को मौला अमिर ने नकल किया जनाब कुमैल से तो ये हो गई दुआ कुमेल लेकिन दर हकीकत ये दुआ है जनाब खज़र की अब आप तस्वुर करें कि मौला आमिरम्न को इल्म है कि जनाब खजर कैसे अल्लाह सुबहाना तारा से राजो न्याज फरमाते हैं सलवा पढ़े बर मोहम्मद व अल मोहम्मद बर मोहम्मद वोले मोहम्मद सलवा जरा सलवार पढ़ते हुए आगे तशरीफ ले आए मोमिन से गुजारिश है कि सलवार पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा और आगे हो जाए जितना भी मुमकिन हो सके बर हबीब खुदा खतम लंबिया बुलंद तर सलवार माशा मा, मा, माशा जल्द अज जल्द आगे हो जाए बर मोहम्मद वो मोहम्मद सलवा दुआओं में से एक दुआ के जिसका जिक्र करें बड़ी तेजी से और जब भी हम जिक्र करते हैं तो एक थोड़ा सा जिक्र करते हैं एक हमारे दोस्त है मौलाना खुदा तबारक बलों की तोफीकत में इजाफा फरमाया उन्होंने हजारों मोमिन को कोंगो में बनाया और हजारों अफराद को अहलम के चाहने वाला बनाया हजारों में उनके साथ गोके का है कुछ लुबनानी अफराद खसूस लुबनानी बहुत सपोर्ट करते हैं कुछ हो जाते हैं वहाँ हज़ारों के खाने का तो डेली इंतज़ाम होता है ये ना हमारे दोस्त ने बहुत सारी मसाजिद बनाई हैं और जो कमाल किया है वो ये किया है कि उनमें वहीं के बच्चों को तरबियत किया है ताकि वो खुद ही ले कर चलें उनकी एक मस्जिद में मैं गया तो जो बहुत ही कमाल की चीज़ है वो ये है कि जिस तरह हम शलबात पढ़ते हैं नमाज जमात के बाद आया सबका साथ पढ़ना ज़रूरी है या अलग अलग भी पढ़ सकते हैं असल में तो सलवार पढ़ लें अलग अलग भी पढ़ लें या जो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हम साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पे तो नमाज ख़त्म हो गई अलग अलग भी हम कह सकते हैं लेकिन सब साथ कहते हैं फिर सलवा भी साथ पढ़ते हैं उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है कि तस्बीह हज़रत फातमत ज़हरा सलाम अलैहा सब साथ पढ़ते हैं पूरी मस्जिद घूम रही हो गूंज रही होती अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 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 उल्लाकबर उल्लाकबर अल्लाकबर अकबर दूसरा काम उन्होंने किया है कि दुआ जोशन कबीर की सौ फसलें हैं हर नमाज के बाद एक फसल पड़ी जाती है तो कुछ दिन के बाद यानी सौ जमात की नमाजों के बाद दुआए जोशन कबीर मुकम्मल हो जाती है लिहाजा बाज़ दफा उन्होंने बाज मब इस्लामी से बहुत व माशाल्लाह शोक तकबीयत भी तो खुद कहने लगे एक दफ़ा मैंने एक सल्फी टाइप की कौनी मारी है मैंने कहा देखो तुम निन्यानवे नामों पे रुके पर रुकेत के साथ होते ना तो ये हजार नाम मिलते <laughs> तो याद रखें कि अल्लाह सुबहाना व तला का बेहतरीन इंट्रोडक्शन के जो इल्मी और कलामी किताबों में होता है वो अलग लेकिन दुआ के अदबार से हज़ार तरीके से हज़ार नामों और सिफ़ात के ज़रिए से एक जगह अगर आपको इंट्रोडक्शन चाहिए तो वो मजमू दुआए जोशन कबीर अब आप दुआ जैशन कबीर को ऐसे सोचें कि हर फसल में यानी हर चैप्टर में अल्लाह के दस नाम हैं और सौ फसलें हैं और ऐसा इंट्रोडक्शन दुनिया के किसी दीन में नहीं है जो खजाना जोशन कबीर की सूरत में है और फिर इसके अलावा दुआएँ मुजीर और मुख्तिक दुआएं ये खजाना कहीं नहीं है याद रखें तो आइमा की असल फजीलत मार्फ़त खुदावन तबारक वाल और सही तोहेद उनसे मिलेगी और फिर खसूस मौला आमिर उमिन के बारे में हमने अर्ज़ किया कि अगर अशरफुलंबिया इतना ही फरमा देते अना मदीत वाली बाबो तो काफ़ी था कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी अना मदीनातलमत वाली बाबो हा या अतुलमत वली वा ये काफ़ी थाम उम्मली अबन अबी तालब के उम्म में सबसे ज़्यादा इलम रखने वाले अली अबिनबी तालब यह काफ़ी था आकज़ाक अबन अबी तालब के सबसे बेहतरीन कजात करने वाले अली अबन अबी तालब है ये काफ़ी था मौला अमरमिन के पास आके एक सवाल हुआ अब इस सवाल को मुमकिन है कोई डॉक्टर हो तो वह शायद ज़्यादा उसको पसंद करे सवाल मौला अमिरमिन से यह हुआ कि एक बच्चा पैदा हुआ है कि जिसके दो सर हैं और आप उतुब होगा कि ऐसे बच्चे अभी भी हैं कि टांगे एक हैं और धड़ दो हैं तो बाज दफ़ा दो सर यानी यहाँ से दो हिस्से हैं इसी तरह बाज बच्चे ऐसे भी हुए हैं कि जिनकी दो बॉडीज हैं सर जुड़े हुए हैं तो मौला आमिर मोमिन सवाल हुआ कि एक बच्चा है कि जिसके दो सारे यहां से दो करते हैं ना दो सारे अब अगर इनका बाप मर जाए तो इर्स कितनी मिलेगी सवाल है बिलाखिर एक की मिलेगी कि दो की मिलेगी अब हम तो कहते हैं जिसकी भी मिल जाए लेकिन बहन भाई अगर किसी के हों तो वो तो सवाल करेंगे बिलाखिर के इसको हम एक दें या दो दें यानी अगर किसी का एक भाई है और एक बच्चा ऐसा है जिसके दो सारे हैं। तो फिफ्टी फिफ्टी होगा या फर्ज करें कि वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड होगा फिफ्टी फिफ्टी होगा तो इसका बढ़ जाएगा इसको फिफ्टी इसको फिफ्टी और अगर तीन हिस्सों में तकसीम करना होगा तो इस वाले भाई को ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा मिसाल के तौर तो पे नाइन्टी थाउजेंड है तो इसको थर्टी मिलेंगे सिक्सटीन को मिल जाएंगे बहुत फर्क है वरला दूसरी सूरत में फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव तो मौला ने फरमाया कि इन बच्चों को सुला दो। और सुलाने के बाद बहुत आहिस्तगी के साथ एक सर को हल्का सा टच करो अगर दोनों साथ उठें, तो एक हिस्सा मिलेगा और अगर अलग अलग, अलग उठें, तो इनको दो हिस्से मिलेंगे सलवाद पढ़े बर मोहम्मद आले मोहम्मद वजह क्या है कि अगर दोनों साथ उठे तो इसका मतलब है इनका पूरा ये एक ही जिस्म है ये एक है दोनों अलग अलग साथ उठे तो इसका मतलब है कि ये पूरे दो अफराद हैं इनका एक है कि लेकिन अफराध दो। फिर इनको मिलेंगी हिस्से अब ये वो वाला मौजूद है कि आज भी अगर आप किसी को बताएं तो लोग कहेंगे कि वाकई ये बहुत ही लॉजिकल बात है और यहाँ फिर हम मिसाल दें कि अगर कभी किसी का हक़ मारा जा रहा हो तो मौला अमीरुल अमीरम्न जाके बिल आखिर बताएं कि ना बताएं तो वो किसी और की नहीं मदद करने जाते थे वो जाते थे इस्लाम की मदद करने और मज़लूम की मदद करने और ये बताने के लिए कि जो अफराद बैठे हैं वो नहीं जानते खलीफा रसूल का वो होगा जो जानता हो वो नहीं होगा कि जो ना जानता हो। दूसरे खलीफा के दौर में एक दफ़ा एक लड़की आई और मामला बिल्कुल वही है जो हमने कल डिस्कस किया कि इसको और ज़्यादा तफसील से डिस्कस करना चाहिए कि हो नस्वा बिल जो है क्यों उठाता था? पाकिस्तान में वूमेन राइट एसोसिएशन के जो, जो तहफसात हैं बिल आखिर क्या हैं सारे गलत नहीं हैं ये जो हमारे मौलवी मुल्ला हमेशा औरत मार्च के ऊपर आके कमर टूटती है और हमने बिलाखिर बाज़ दफ़ा दिफा भी किया तो हमें कहा कि ये बदमाश औरतों का तरफदार इस तरफदारम के हमें अलकाब मिले हमने कहा ना उनके नारे गलत हैं उसमें रक़ मौसीख़ी गलत है लेकिन जो उनकी मजलूमियात तो है उनको नहीं भूलना चाहिए मौलवी मुल्ला और दीनदारों का तरीका ये होता है सो कॉल्ड दीनदार बिलाखिर जो है वह दबाया जाए क्योंकि अक्सर अदियान इस रविश पर होते हैं कि खुवात को दबाना है इस्लाम यह कहता है इस्लाम वाकई ये मोहम्मदी व फातमी हसनी हुसैनी के जुल्म गलत है ना मर्द पे जुल्म हो ना ख़वातन पे जुल्म हो हकदार को हक़ दिया जाए तो कल एक हमने प्रॉब्लम बताया था कि अगर एक खातून की आबरू पामाल की जाए फिर उसके प्रेग्नेंट हो जाए तो या तो वो उस आदमी को पकड़ के लाए और अगर ना ला सके तो क्या होगा उसको बेचारी को सज़ा होगी क्यों कि गवाह लेके आए वो या गवाह लाए कि उसके साथ ज्यादती हुई है गवाह कहां से लाए या उस आदमी को लाए वाख मुश्किल हो गई मौला आमिरम्न ये मसला पहले बयान कर चुके हैं कि एक दफा एक खातून को ले जाया जा रहा था संसार करने के लिए और वह हामला थी और मौला आमिरमिन गुजरे तो उस खातून को रो रही थी और मौला अमिर उलमिन पूछा क्या हुआ वह कहा कि उसको वापस लेके चलो और वापस ले गए और वापस ले जाने के बाद कहा कि किसने ये क्या तुमने फैसला किया है कहा कि इसका शौहर नहीं है यह हमला है तो आपने वहाँ पर चंद चीज़ों को डिस्कस किया कि जिनमें से एक आपने फरमाया कि इससे इकरार लिया है कहाँ कहा कि कहा ना मेरे हबीब ने बताया है कि कैद में और सख्ती के ज़रिए इकरार लिया जाए उसकी हैसियत नहीं है ये आज का जदीद मौजू है नहीं वाखा नहीं मार पीट के अकरार की हैसियत नहीं है इस्लाम वाकई में कि ऊँट को इतना मारो कि कहे कि हाँ मैं खरगोश हूँ हाँ खरगोश को इतना मारो कि कहे कि हाँ मैं ऊँट हूँ ये अकरार की हैसियत नहीं है इसकी तो मौला अमिन मामनी ने पहली बात की कि इसने इकरार किया है और इसने अरार किया है तुम्हारी सज़ा में तुम्हारे खौफ में इस इकरार की हैसियत नहीं है और दूसरी बात यही कि जब ये कह रही है कि इसके साथ ज्यादती हुई तो मानना पड़ेगा साबित नहीं है जिना कब साबित होगा जब गवाहों ने देखा हो लेकिन मौला मेरे मोमनी ने एक और मौजू उठाया कि अगर मान भी लिया जाए कि इसने गुना किया है तो इसके जो पेट में बच्चा है उसकी क्या सजा है जो इसके पेट में बच्चा है उसकी सजा बताओ क्या है अब यहां पर आप तवज्जो करें कि वाकन अगर किसी के गुनाह की भी औलाद हो उसे कत्ल कर सकते हैं नहीं कर सकते कत्ल तो मौला मौलामिर मोमनी ने इशू उठाया कि बिल आखिर अब्बल तो इसने इकरार किया सख्ती की वजह से दो वो में यह कि साबित नहीं होगा कि इसने गुना किया है लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर साबित भी हो जाए तो बहुत सारे केस मौला आमिरमनी ने रुकाया कि अगर साबित भी हो जाए तो जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए उस वक्त तक सजा नहीं हो सकती और जब बच्चा पैदा हो गया कई केसेस में तो मौला ने फरमाया कि जब तक ये दूध पी रहा है उस वक्त तक सजा नहीं हो सकती और जब दूध का ज़माना आया तो कहा कि इसको अभी भी मां की जरूरत है वजह यह है कि इस्लाम चाहता है कि सजाएं कम से कम हो इस्लाम यह नहीं चाहता कि सजाएं ज्यादा से ज्यादा हों सजाएं कम से कम हों यही वजह है कि इस्लाम में जो गुनाह साबित होने की शराइत है और जो तरीका है वो बहुत सख्त है मुश्किल से हो पाता है साबित इसी तरीके से याद रखें कि हमारे यहां फिक्र में यह है कि अगर दो मर्द और, और औरत कहीं से निकल रहे हैं आप उन पर गुनाह की तोहमत नहीं लगा सकते खूसन कब के अगर आप उनसे पूछें और क्या हमने शादी की है हमारे क्या है कि तलाक के लिए गवाह की जरूरत होगी शादी के लिए गवाह की जरूरत नहीं है ताकि हलाल खुदा आसान हो जाए किसी पे इतनी जल्दी तोहमत नहीं लगा सकते कोई कह दे कि हमने शादी की है आपको मानना होगा यही वजह है कि हमारे यहां वो वह इंसाफ नज़र आता है कि जो वाकन अशरफुल अम्बिया के ज़रिए से है वो ख़ुशूनत वो जुल्म और कत्लेआम नज़र नहीं आता एक वाक़ हुआ दूसरे हाकिम के ज़माने में कि मदीने में एक लाश मिली एक आदमी की कि जो औरतों के कपड़े में था अब ये जो कजावत है ज़ाहिर है कि इसका ताल्लुक है मौला अमीराम के उस इम से कि जो अशरफुलम्बिया से मिला और उन्होंने फरमाया था इसमें दरमियान में आएगा कि अब एक लाश मिली है एक मर्द की कि जो औरत के लिबास में है अब जब ये लाश मिली मस्जिद के पास मिली बाद का बयान हुआ मस्जिद में मिली तो मौला ने फरमाया कि इसको दफन कर दो और कुछ लोगों से फरमाया अभी इसका फ़ैसला होगा नौ महीने बाद नौ महीने बाद इसी महराब के पास आके देखना क्योंकि बच्चा मिलता है कि नहीं मिलता अब एक दो लोगों से कहा मैं छोड़ दो इसको इसका फ़ैसला होगा नौ महीने बाद इतफाक़ से नौ महीने के बाद ना कि इतफ़ाक़ से मौला को इल्म था नौ महीने बाद एक बच्चा मिला मस्जिद में ही बिल्कुल छोटा सा बच्चा मौलामिन ने कहा कि इस बच्चे को एक दाया के हवाले कर दिया जाए कि जिसका ख़र्चा भी बैतलमाल से दिया जाएगा हमारा माशरा कैसा डेवलप हुआ है कि जो बच्चा मिले उसको क्या कहते हैं आप और हम लोग मैं नहीं कहता अलबत्त <laughs> ये हमारे जाहिलमलाओं ने ईदी पे भी इल्ज़ाम लगाया था कि हराम के बच्चे पालता है बाबा हराम का बच्चा साबित करने के लिए दलील चाहिए जो बच्चा झूले में मिल जाए साबित नहीं है कि यह हराम का है देखिए फर्क है इमकान नहीं है किसी ने मजबूरी में छोड़ दिया हो इम्कान नहीं है किसी ने अखबा करके छोड़ दिया हो इमकान नहीं है किसी ने दुश्मनी में किसी का बच्चा अस्पताल से उठा के यहां डाल दिया हो कहां से साबित हुआ कि हराम का है किसी भी माशरे में असल यह है कि बच्चा हलाल है हराम का साबित होने के लिए दलील चाहिए यह फ़िके अहले है लिहाजा अगर कोई किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है और आप हमको पता चलता है तो ये ज़बरदस्ती के दीनदार ना बने उस बच्चे की तोहन करें कि इसके बाप का नहीं पता माँ का नहीं पता बस हराम का है ना ना उस शख्स की जिंदगी को तंग करें और ना उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें बल्कि जितना हो सकता है उससे मोहब्बत करें क्यों कि माँ बाप का पता होना ना पता होना साबित नहीं करता कि वह नाजायज है यह फर्क है फ़िके अहले वहत में और दूसरों में मौला आमिरमिनी ने कहा कि ये दाया के सुपुर्द किया जाए बैतुल माल से इसका खर्चा दिया जाएगा और दाया से कहा कि अब ईद जब आए तो एक औरत आएगी और इस बच्चे को प्यार करेगी और कहेगी कि तू कितना मजलूम है एक मजलूम माँ का बेटा और एक हबीस शख्स का बेटा वो प्यार करेगी और जब वो प्यार करे तो उसको पकड़ लेना और मेरे पास ले आ अब यहाँ कोई कहे कि मुमकिन है कि मौला मौलान खुद ही सारे काम कर लेते ना अब उसके बाद ईद आई और ये बच्चा जो है वो उस खातून की गोद में था और एक खातून आई दाया की गोद में था एक खातून आई और उसने कहा उसे प्यार करके कि मजलूम माँ के मजलूम बेटे और अबी शख्स के बेटे उसने प्यार किया इस खातून ने दामन पकड़ लिया इसने छोड़ाना चाहा कि नहीं मुझे बताया था ने अभी तालिब ने तुम्हें लेके जाऊंगी तो, ले तो खातून ने कहा कि मैं तुम्हें इतना इतना माल दूंगी दस यमनी चादरें दूंगी दस यमनी हुल्ले दूंगी यानी खास कपड़े यमन के यमन की चादर यमन के हुल्ले, यानी ख़ास कपड़े वो मशहूर थे और 300 सौ दूंगी और अगली ईद में फिर आऊँगी मिलने और फिर तुम्हें इतना ही दूंगी इस औरत ने जाने दिया मौला आमिरमनी ने सवाल किया कि क्या हुआ कोई औरत आई थी कहा कि नहीं तो मौला अमिरमनी नाराज़ हुए कि इम्कान नहीं है कि ना आई हो क्योंकि मेरे हबीब ने मुझे खबर दी थी ये वो इल्म है कि जो अशरफुलंबिया का खास दिया हुआ है अल्लाह मैंने रसूल अल्लाह कि अल्लाह सुबहाना तआला के हबीब ने मुझे हजार इल्म के दरवाजे दिए हैं जिसमें से मैंने हर एक से हजार दरवाजे खोले और फिर इमाम ने फरमाया कि अब तुम पकड़ लेना उसे तुम झूठ बोल रही हो अब जो ईद आई तो उसे पकड़ा और उसके बाद लाया गया फिर मौला अली काजी के पास ले गए और दास्तान पता चली कि ये लड़की जो थी इसकी पहले माँ मर गई बाप मर गया बहन भाई नहीं थी तो कहती है कि मैं घर में तनहा थी बाजा रिश्तेदारों के जाती थी एक बुज़ुर्ग ख़ातून आई बुज़ुर्ग ख़ातून ने आने के बाद जो है वो नमाज़ पढ़ी और कहा कि मैं रोज़े में हूँ मैंने इंतज़ार किया उसने मुझे गले लगाया बहुत मोहब्बत का इजहार किया कि तुम मेरी बेटी की तरह हो इसने उसके बाद नमाज़ ख़त्म की तो मैंने सामने उसके कुछ रखा खाना तो वो रोने लगी कि मैं इससे ज़्यादा नहीं खाती रोटी और नमक से और फिर उसके बाद नमाज में लग गई उसके बाद इसने आना जाना शुरू किया और बाद में उसने कहा कि मैं कहीं जा रही हूँ और तुम इतनी खूबसूरत हो तो मैं चाहती हूँ कि किसी को तुम्हारे यहाँ रख जाऊँ एक मेरी बेटी है कि जो बहुत ही शर्म हया का पैकर है उसे मैं तुम्हारे यहाँ छोड़ दूँ और इस तरह से वो उस मर्द को घर में ले आई थी और उस मर्द ने ज्यादती की और बाद में इस लड़की ने उसे कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद जितना हो सका या किसी के साथ मिल के लाश बाहर फेंक दी तो ये वो थी लड़की अब जब ये कत्ल का मुकदमा दोबारा ले जाया गया और मौला अली ने खोला और मौला अली ने बताया कि ये मामला है इस आदमी ने जुल्म किया इस खातून ने अपना दिफा किया लिहाजा इस पर अब कोई सजा नहीं होगी लेकिन यह सब मामला फकत इल्म के जाहिर इल्म के लिए जरिए से नहीं था बल्कि अशरफुल अंबिया का दिया हुआ गैब का इल्म भी था और मौला अमिरमिन इन चीज़ों के जरिए से जहां अपनी इल्मियत भी जाहिर करते थे हक इमामत और खिलाफत भी जाहिर करते थे जहां मजलूम का दिफा भी करते थे तो वहां दूसरी जानब दुनिया को बताते थे कि जो लोग बैठे हैं ये इन चीजों से आशना नहीं है और नबी का खलीफा वो होता है कि जो हर चीज से आशना हो सलवाद पढ़े बर मुहम्मद अब एक मौजूद को के इस पर डिस्कस करना मुमकिन हो कि समझे मुनासिब नहीं है लेकिन इसका ताल्लुक है इमाम जमान की के बाघ को आबाद करने से रिलेटेड और छोटे शहरों का ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है और उसको कोई दोबारा हम कह रहे हैं कोई ना सोचे कि इस वक्त इसका टाइम नहीं था ना इसका ताल्लुक़ है बिल्कुल एक हमारी पूरी अगली जनरेशन से वो है शादियों का मौजू और शादियों के मौजू के बारे में बस बड़ी तेज़ी से डिस्कशन करें मुमकिन है बाद में कभी कर लें या कभी अगर और कोई चाहें तो आप लोग प्रोग्राम रखें उसके लिए मखसूस डिस्कस कर सकते हैं कि जितनी क़ैद व शर्त कम हो उतना बेहतर है हाँ शक्ल सूरत पढ़ाई लिखाई ये सारी चीज़ें इतनी होनी चाहिए कि लड़की लड़के के साथ खुश रहे लड़का लड़की के साथ खुश रहे और उसमें माँ बाप को बहुत ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बस बल्कि जो ज़रूरी है वो ये है कि बस शिया से शादी हो सैयद वाली कंडीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए ना लड़की की जानिब से ना लड़के की जानिब से दूसरा जो है अपने बच्चों के जहन में डालें कि तुम्हें शिया से शादी करनी है तुम पाकिस्तानी शिया नहीं हो तुम कैनेडियन शिया हो उधर ईरानियों और लबनानियों आज़रबाईजानियों के और तुर्कों के और अफगानियों के जहन में भी डालें यू आर कैनेडियन शिया और आप लोग शादी कर सकते हैं ये जितना आप जहन में डालेंगे उतने चांसेस बढ़ेंगे और शादियां आसान होंगी और माँ बाप जो है इतनी बात तो वाजह है कि माँ बाप की आमतौर पर बहू से नहीं बननी और समधियों से भी नहीं बननी तो फिर ये क्या है कि हमारे सम्धी जो हैं वो अफ़गानी होंगे तो प्रॉब्लम होगा पापा वो अफगानी है उसकी बात हम नहीं समझेंगे वो हमारी बात नहीं समझेंगे लड़की लड़का समझ रहे हैं इनको समझने दें तो शादी को आसान बनाएं और इनकी शादियां होने दें ज़्यादा तफसील से बात नहीं कर रहे हैं कि इस वक्त वो ज़माना आ रहा है कि लोग शादियाँ ही नहीं कर रहे हैं जो अच्छी तरीके से काम हो रहा है उसको होने दें आसान करें सपोर्ट करें और दायरा वसी करें अफगानी से हो ईरानी से हो लुबनानी से हो अफग़ानी से हो आजरबाईजानी से हो तुर्की से हो इंडियन से हो पाकिस्तानी से हो सैयद हो नॉन सैयद हो खोजा हो पंजाबी हो बलोच हो सब के जहन में डालेंगे तुम लोग कैनेडा के शिया हो वो सारी चीज़ें तुम्हारे माँ बाप थे वो सल पढ़े पर मोहम्मद व अल मोहम्मद अलबत अमेरिका को भी शामिल कर लें नॉर्थ अमेरिका आज का दिन जो मनसूब मसाइब के अतबार से हजरत अली अकबर सलातु सलाम से है और मसाइब में बाज जो चीज़ें पढ़ेंगे उसको हम चाहते हैं कि जरा डिस्कस करें ताकि वो जो बात सवाल जहन में आते हैं या जो जहन में एकदम से आ सकता है कि ये बात लॉजिकली नहीं लगी तो उसके पीछे है क्या वजह सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हजरत अली अकबर आया हज़रत अली अकबर बड़े थे या इमाम जैन अलाद्दीन अल साम बड़े थे ज़्यादा जो मशहूर कौल है शेख मुफीद के ज़रिए से वो य है कि इमाम जैन अलाब्दीन अलात सलाम बड़े थे यानी तेईस के थे और हज़रतली अकबर अल सलाम जो हैं वो अट्ठारह के थे लेकिन एक और कौल भी है कि वह छब्बीस के थे और इमाम जैन्दीन सलाम जो हैं वह तेईस के थे तो अब यहाँ पर इसको हमेशा तारीख़ी मसला समझना चाहिए लेकिन मशहूर यही है कि वो बड़े थे यानी इमाम जैन अलाब्दीन अल्लाम बड़े थे और वो सिर्फ अली थे यानी आप जहन में ये रखें कि एक अली हैं इमाम जैनद्दीन वो सिर्फ अली हैं बाद में एक और अली हैं वो कौन है अली अकबर हैं अली अकबर किसके मुकाबले में यानी किसके नस्बत दी जा रही है हज़रत अली अजगर ठीक है तो बात हो गई क्लियर इमाम जब अलाउद्दीन बड़े हो गए हजरत अली अकबर उनसे छोटे हो गए लेकिन अकबर हैं किसके अकबर हैं असगर से लेकिन हजरत अली असगर तो अभी छह महीने के हैं तो फिर क्या होगा तो फिर तो एक जमाने में दो थे तो फिर जब उस वक्त दो थे तो क्या उस वक्त इमाम जौनलाब्दीन अकबर थे और हजरत अली अजगर अजगर थे या हजरत अली अकबर अकबर थे और इमाम जौनलाब्दीन अजगर थे फिर आपने देखा होगा कि बिल एक नाम भी है और लकब भी है इन्हीं तीन अलियों में से एक का अली औसत परी औसत कौन थे आया औसत इमाम जनद्दीन थे तो यह महज एक डिस्कशन है अब इसमें बज दफा एक और मौजूद डिस्कस होता है कि आयमा सलातम की जाने खतरे में थी आया ऐसा तो नहीं कि तमाम फोकस किया जा रहा था बाहर दुश्मनों की तवज्जो दिलाई जा रही थी जनाब हजरत अली अकबर की जाने और इमाम जमिलाद्दीन सलाम को बचा लिया जाए कहीं ऐसा तो नहीं यह, यह खुद एक डिस्कशन है मिसाल के तौर पर जब मंसूर मलून के ज़माने में इमाम जाफर अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो मंसूर ने अपने एक मुंशी को एक वज़ीर को बुलाया दरबार में बात हो रही थी बिल्कुल सियासी बयान जो हमारे यहाँ दिया जाता है कि जो पावर में हो किसी को कत्ल भी कर दे तो अखबार में क्या बयान देगा हमें बड़ा अफ़सोस हुआ तो मंसूर ने भी यही कहा कि बड़ा अफ़सोस हुआ मदीने से ख़बर आई है कि जाफ़र इबन मोहम्मद दुनिया से चले गए और अब कोई भी ऐसा नहीं हो जाफ़र इबन मोहम्मद की जगह ले सके बाद में वज़ीर से कहा कि ख़त लिखो मोहम्मद बिन सलेमान को कि जो मदीने का गवर्नर है कि जिसके नाम भी वसीयत लिखी है जाफर इबन मोहम्मद ने उसे क़त्ल करो सर भेज दो बाद में इसी मुंशी से जब नकल हुआ तो उसने कहा कि जो जवाब आया और जवाब मैंने पढ़ के सुनाया तो मैं भी हंसा और मंसूर भी हंसा जवाब यह था मोहम्मद बिन सलमान का कि जो मदीने का गवर्नर था कि जाफर इबन मोहम्मद ने यानी इमाम जाफर सादक सलाम ने अपने वसीयत नामे में पांच नाम लिखे हैं। एक तो आपका नाम लिखा है वसी अब याद रखे वसी अलग है इमाम अलग है वसी यानी वसीयत जिसके नाम है एक तो आपका नाम लिखा है एक मेरा लिखा है और एक अपनी जोजा का लिखा है हमैदा खातून का और एक अपने बेटे का लिखा है अब्दुल्ला का और एक अपने दूसरे बेटे का लिखा है मूसा का कौन मूसा इमाम मूसा का आज़म अब उस दौर में इमाम ने इस तरीक़े से इनको एक तरह से कन्फ्यूज़ किया और उसके बाद उसने ख़त लिखने वाले ने कहा बताया मैं किसका सर भेजूँ यानी अपना या आपका या हुमैदा खातून का या मस मूसा का या अब्दुल्ला का अब यहाँ से इमाम मूसिक सलाम के बचाने के लिए अहतमाम है अब ज़मीन में बताते चले कि आलम इस्लाम में तीन अहम ख़वात के जिन्होंने बड़े अहम मरहलें में काम अंजाम दिया तो उसमें सबसे जो अहम है वो तो हज़रत फ़ातमा हैं। लेकिन बाद में जो हैं हज़रत जैनब हैं और एक हज़रत हुमैदा खान है और एक इमाम हसन अस्करी अल्लाम की जौज़ा हैं जनाब हज़रत हदैस खातून अब इन सब के बारे में गुफ्तु नहीं हो सकती लेकिन इमाम जाफर सदलात सलाम के बाद जो अमर इमामत के बहुत सारे काम थे बज़ाहिर सामने जो आती थीं वह हजरत हमैदा खातून आती थी और पीछे जो हुक्म सदर फरमाते थे इमाम मसे आज़मत सलाम फरमाते थे यही काम करबला में हुआ है कि बाहिर जो आगे आती थी वो सबका इमाम के मिशन की और खून की मुहाफ थी और मौजूदा इमाम की जान की मुहाफ थी और वो थी हजरत जैनब सलवात वसलाम तो एक डिस्कशन ये आता है कि इस तरह से दुश्मनों की तवज्जो दिलाई गई थी किसकी जानब हज़रत अली अकबर की जानब अब हज़रत अली अकबर को वो मार चुके हैं अब इमाम हसन की नसल इमाम हुसैन की नसल से इमाम जैनलाब्दीन है उनकी जान को ख़तरा है तो वहाँ पर एक जानब उनको अल्लाह सुबहाना व ताली ने मसलता बीमार कर दिया और जब उनकी जान को ख़तरा होता है तो हर जगह हज़रत ज़ैनब सलामै था सामने आ जाती हैं और हुक्म उनका होता है ज़बान हज़रत जैनब सलामाम था की होती है लिहाजा हजरत जैनब जैनबल के बारे में हम मुख्तर सी गुफगू करें कि इमाम के वक्त ये जो उनका बुलंद मकाम है वो इस वजह से है कि इमाम की मौजूदगी में जो अहकाम शादिर होते थे वो उनकी ज़बान से शादिर होते थे और वह इमाम वक्त की जान की मुहाफ़ थी और शहीद इमाम के मिशन और उनके खून की मुहाफ़ थी तो हजरत जैनब सलाम अगर आप देखें दो इमामों की इमामत दो इमामों के मिशन और एक इमाम के खून और एक इमाम की जिंदगी बचा रही थी तो ये एक डिस्कशन आता है अकबर और अजगर के बारे में जनाब हजरत अली अकबर की जो अहम तरीन खसूसियत थी कि वह शबी रसूल थे एक खसूसियत यह कि फर्जंदे इमाम हुसैन लेकिन इमाम हुसैन भी जिस खसूसियत का जिक्र फरमा रहे हैं वो शबाहत रसूल सलम है अब यहां पर चंद सवाल जहन में आ सकते हैं कि जिन्हें हम मसाइब में बयान करें तो उससे पहले उसको क्लियर कर दें जनाब हजरत बार शबी रसूल हैं इमाम हुसैन अपने इस फर्जंद कुर्बान करने के लिए तैयार है मकतल में बयान हुआ इसताजान अबा हो फू अली अकबर ने अपने वालद से इजाज़त मांगी और इमाम हुसैन ने फ़ौन इजाज़त दे दी लिहाजा ये बज दफ़ा कहना है कि इमाम इजाज़त नहीं दे रहे थे ये कतन मुनासिब नहीं है सब माएँ अपनी औलाद को कुर्बान कर रही हूँ और इमाम हुसैन जो हैं वो अपनी औलाद कुर्बान करने को माजल्ला तैयार नहीं है क्या ना ऐसा कतन नहीं है आज़ न लहू फाज ना इस्ताज ना लहू फाज न लहू उन्होंने इजाज़त मांगी उन्होंने इजाज़त दे दी लेकिन हाँ आया इमाम हुसैन रोए बिल्कुल रोए आया इमाम के लिए सख्त था बिल्कुल सख्त था लेकिन औलाद के एतबार से नहीं किस एतबार से लिहाजा आपने जब हजरत अली अकबर को रखसत फरमाया तो क्या फरमाया ये नहीं फरमाया कि अल्लाह मैं अपना बेटा कुरबान कर रहा हूँ इमाम हुसैन को अंबिया से इतनी मोहब्बत थी कि उनका दीदार का सिलसिला खत्म हो चुका था उनके लिए बड़ा सख्त था कि अब नाना का दीदार नहीं हो सकता फिर एक तवील अरसे के बाद अल्लाह सुबहाना ताल फर्जन से नवाजा कि जिसकी शक्ल सूरत आवाज उठना बैठना चलना फिरना मुस्कुराना सब कुछ रसूल अल्लाह सल्ह वसलम की शबाह है बज दफ़ा बच्चों में भी पूरी शबात नजर आती है और हम देख सकते हैं कि ये तो बबत फलाने के दादा से मिलता है जबकि ज़मीन तो आसमान उम्र का फ़र्क है लेकिन जितनी जितनी उम्र बढ़ती है दादा की शबाहत और क्लियर होने लगती है यहाँ तक कि दादा की उम्र का पहुँचेगा तो लोग कहेंगे तो वाखा एक हैं तो जनाब अली अकबर की अभी शबाहत बढ़ती चली जा रही है जितनी जितनी शबाहत बढ़ती चली जा रही है उम्र के साथ साथ उतना उतना मोहब्बत का भी सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है लेकिन ये मोहब्बत बेटे वाली एक जानब है लेकिन असल मोहब्बत है शबाहत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से लिहाजा जब आपको तो रुख्सत फरमाते हैं तो क्या फरमाते हैं अल्लाश कदबरा ऊलाम अशबाह नबी कि या अल्लाह तू गबर है कि अब वो जवान जा रहा है जो सबसे ज्यादा तेरे नबी से शबाहत रखता है किसमें खलकन व खुलकन व मन तकन हल्क यानी पूरी शक्ल सूरत में चाल में ढाल में खुलकन अखलाकियात में मन बोलने के तरीके में आवाज में हर चीज में शबाहत रसूल अल्लाह से और फिर क्या फरमाते हैं व वाले से वह नबी ये का और जब हम मुश्ताक होते थे तेरे नबी के तो क्या करते थे नजर जब रसूल सल्लाम याद आ रहे हैं अहले बैत को तो किसको देखते थे कौन मरकज होता था तो जनाब हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के लिए बेटे के उन्मान से इतने अजीज नहीं थे बेटे तो वो थे और इंतहाई बुलंद मकाम पर थे लेकिन असल जो गुफ्तु थी वो थी शबाहत रसूल अब यहां पे सवाल ये होता है कि हजरत अली अकबर सलाम को तो पता था कि पानी नहीं है लेकिन हम ये देखते हैं कि मखातल में बयान हुआ कि जनाब हजरत अली अकबर ने एक मार्का किया मार्का करने के बाद वापस आए वापस आने के बाद इमाम हुसैन अल सलाम की बारका अक्द ने फरमाया फरमाया अलअशत विकलह हदीद अजहदनी हलमा सभी लोन के मुझे लोहे के वजन ने मुश्किल में डाल दिया है और प्यास ने कत्ल कर दिया है आया पानी की कोई राह है तो यहां पे सवाल यह पैदा होगा कि हजरत अली अकबर को नहीं मालूम था कि पानी है या नहीं है हाँ मालूम था कि पानी नहीं है आया उन्होंने पूछा बिल्कुल पूछा क्यों पूछा रिवायत में बयान हुआ है कि हजरत अली अकबर सलाम जब कमसन थे और क्योंकि उनकी इस आवाज और होटों की जुम्बिश और शक्ल और सूरत ये सब कुछ अशरफुल लंबिया जैसी थी तो बाज दफ़ा हजरत हज़रतली अकबर इमाम हुसैन से फरमाश करते थे किसी चीज़ की मिसाल के तौर पर ऐसे फलों की कि जिसका मौसम नहीं है और इमाम हुसैन सलाम उस आवाज़ के एहतराम में उन होटों के जुम्बिश के एहतराम में उस चेहरे के अहतराम में उस शबाहत के अहतराम में उस हल्क और खुल्क और मनतकन के अहतराम में हाथ बढ़ाते थे और जनाब हजरत अली अकबर को देते थे जनाब हजरत अली अकबर सवाल फरमा रहे हैं कि आज मैं और ज्यादा चाहता हूं कि आपका दिफा करूं जाऊं और वापस आऊं जाऊं और वापस आऊं ज्यादा से ज्यादा दिफा कर सकूं लेकिन मुझे इस वक्त इस लोहे के वजन ने मुश्किल में डाल दिया है और प्यास ने कत्ल कर दिया है हल एल मा ए सबील यानी आज कोई पानी का रास्ता है बिल्कुल वैसे ही बेमौसम के फलों वाला अभी अपनी प्यास नहीं भुजाना चाह रहे हैं कि और प्यासे चले गए लेकिन मैं शराब हो जाऊं ना सिर्फ ये कि वो जानते थे कि मेरे बाप के लिए इस शबी रसूल का कत्ल होना मेरे बाप के लिए मेरा नहीं शबी रसूल का खाक में मिलना और अहल हरम में से एक शख्स का जाना मेरे बाप के लिए सख्त है बस मैं जितना दिफा कर सकूं उसके लिए पानी चाहिए अपने बाप के दिफा के लिए इमाम वक्त के दिफा के लिए और इमाम हुसैन का इम्तहान यह है कि आज उस आवाज को सुनकर भी पानी नहीं देना कल तक फल दिया अंबिया की आवाज़ के एहतराम में होठों की जुम्बिश के एहतराम में शक्ल के एहतराम में सूरत के एहतराम में चाल के एहतराम में ढाल के एहतराम में आज इमाम के लिए सख्त है लिहाजा एक कैफियत नज़र आती है कि जो मक़ात में है कि जिसको आप समझें कि जिस वक्त इमाम हुसैन जिस वक्त हज़रतली अकबर आल सलाम असप बफा से ज़मीन पर आए हैं और इमाम हुसैन को निदा दी है तो इमाम हुसैन के गम को कम करने के लिए आप जानते हैं क्या फरमाते हैं हावा जद्दी कद सकानी बेकासम ओबादी वह मेरे बाबा मेरे जद रसूल अल्लाह सामने मुझे एक पानी का जाम पिला दिया है क्या इसके बाद में कभी प्यास महसूस नहीं करूंगा तो क्या मुराद है यानी बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपके लिए कर्ब का आलम था कि शबी रसूल प्यासा चला गया तो मुझे रसूल ने पानी पिला दिया है अजरकमल अब हम मसाइब को बयान करते हैं उन नुकात को जहन में रखें एक वक्त आया कि इमाम हुसैन के पास जनाब अली अकबर आए हैं कि जो अहल बैत में से पहले शहीद हैं बाद जगह बयान हुआ है कि अब्दुल्ल इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील पहले शहीद हैं जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के फ़र्जंद के जो मौला मौलान अमिरम्न के नवासे भी हैं लेकिन जो ज़्यादा मशहूर कौल है और ज्यारत नाह में भी है कि अब वाल कतील सलालत नबी से जो हैं वह अली अकबर हैं एक वक्त आया कि जनाब हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन के पास आए और इजाज़त तलब की इमाम हुसैन ने इजाज़त दे दी लेकिन याद रखें कि मोहब्बत का ये आलम है कि जितनी ज़्यादा मोहब्बत हो उतना इम्तिहान सख्त होता है जनाब हजरत इब्राहिम का जो इम्तिहान था वो फर्जन के जरिए इम्तिहान सख्त सख्त होता चला गया तस्वुर करें कि जो जात निन साल की उम्र में या जगह सौ साल से ज्यादा का जिक्र हुआ उस उम्र में अल्लाह से दुआ करने वाले जनाब इब्राहिम ने क्या पच्चीस सौ तीस और पैंतीस सौ चालीस और पैंतालीस और पचपन साल की उम्र में दुआ नहीं की थी लेकिन अल्लाह ने दुआ नहीं सुनी अम्बिया की दुआ कबूल होती है लेकिन बाज़ दफ़ा देर में भी होती है और उसी के ज़रिए से इम्तहान भी होता है हज़रत इब्राहिम की दुआ कबूल हुई अल्लाह सुबहान व ताली ने फर्जन से नवाज़ा और फिर यह हुक्म दिया कि अब इसे बयाबान में छोड़ाओ फिर यह हुक्म हुआ कि वापस आ जाओ फिर यह हुक्म हुआ कि कभी कभी जाओ और अब जब यह जवान हो गया तो हुक्म हुआ कि अब इसे अल्लाह की राह में क़ुर्बान कर दो जनाब हज़रत इब्राहिम ने खंजर चलाया था था। हवा में नहीं चलाया था खंजर चलाया था किसी गोश्त पर और खून की गर्मी भी महसूस हुई थी हजरत इब्राहिम ने अपना काम कर दिया था लेकिन अल्लाह सुबहाना ने शदीद इम्तहान लिया था और फिर उसके बदले एक गोश्त आ गया और फिर जिब है अजीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सूरत में हुआ लेकिन इमाम हुसैन का इम्तहान हो रहा है शबाहत रसूल की वजह से जनाब अली अकबर के जरिए से एक वक्त आया कि जनाब हजरत अली अकबर आए इमाम ने इजाजत दी खुद सवार किया और फिर जनाब अली अकबर ने दुश्मनों पर हमला किया और फात खैबर के जलवे नमूदार हुए अलमान की निदाएँ बुलंद होने लगी लेकिन जनाब हजरत अली अकबर का काम क्या था कि हर कुछ देर के बाद आते थे अपने बाबा के पास और अपनी पुपियों को अपना चेहरा दिखा दें वजह क्या थी कि आप जानते थे कि मेरे बाप के लिए शबी रसूल को हाक में मिलना बड़ा मुश्किल काम है और मेरे वालिद ने एक कुर्बानी दे दी है लेकिन मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं अपने बाप को अपना नहीं अपने रसूल का दीदार कराता रहूं और इमाम हुसैन आखिर वक्त में भी रसूल का दीदार करते रहे जनाब हजरत अली अकबर आते थे और दीदार कराते थे एक दफा आखिर फरमाते हैं कत्ल कर दिया और लोहे के वजन ने मुश्किल में डाल दिया आया पानी की कोई राह है इमाम हुसैन ने फरमाया कि नहीं और बाद जगह बयान हुआ कि अपनी अंग मुबारक और बाद जगह बयान हुआ जबान इमामत mm को दाखिल किया ये वो जबान इमामत है ये वो जबान रसालत है यह वही इमाम हुसैन है कि जिनकी पहली गजा जबान रसालत से मिली यह वही इमाम है कि बेहोकमे खुदाबंद बताला इनकी जबान से चश्मा जारी हो सकता है लेकिन आज हुसैन ने अपनी जबान जब अली अकबर के दहने मुबारक में रखी तो इस जबानत से भी चश्मा जारी नहीं हुआ हुसैन का इम्तिहान सख्त है कि शबी रसूल को प्यासा जाना है जनाब अली अकबर दोबारा नर में गए रन में जाने के बाद मुकाबला किया हर जानेब से हमले होने लगे अब एक वक्त आया एक निदा बलन हुई असल का या बता असला रसूल अल्लाह अस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह इमाम हुसैन जो उठे अली अकबर की जानिब बढ़ना शुरू किया और बाज़ मक़ातिल में जबान हाल के तौर पर बयान हुआ कि कहां जनाब इमाम हुसैन जाएं किस जाने बागे बढ़ें तो एक जाने तलवारें उठ रही हैं तलवारें नीचे आ रही हैं इमाम हुसैन समझ गए कि जिसकी जानिब तलवारें उठ रही हैं जिस पे ये तलवारें पड़ रही हैं यहीं पे जनाब अली अकबर हैं उसी जगह उन सब पर हमला किया सबको हटाया रिवायात में नकल हुआ तो लू हो बेहम अली अकबर को तलवारों के बार से कत्ल करके टुकड़े, टुकड़े कर दिया अब जो पहुंचे तो बर्शी लगी हुई है जीने से खून उबल रहा है ए जनाब हाजरा तशरीफ लाइए या जनाब हजरत अब्राहिम तशरीफ लाइए या जनाब हाजरा कल कर कल मक्के की सरजमीन में दश्ते मक्का में जनाब प्यासे थे, रगड़ रहे थे कदमों से पानी का चश्मा जारी हुआ आप घबरा गई, घबरा के कहा आए के मैदान में और देखें अपने हुसैन को कि उसका बेटा फर्जंदाड़ियां रगड़ रहा है और खून का चश्मा जारी है लेकिन एड़ियों के पास से नहीं बल्कि सीने से खून उबल रहा है आपने जमजम कहा पानी के चश्मे को लेकिन हुसैन ने जम जम न कहा इस खून के चश्मे को बल्कि के जुमला कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाएहि व तस्लीमन लिअम्रे अपने हो गालों को जनाब अली अकबर के गालों पे रख दिया फ़क़द वज़ा ख़द्दहु अला ख़द्दिही हुसैन ने अपना रुखसार अली अकबर के रुखसार पर रख दिया खैमे से जनाब गिरिया करते हुए निकली वाह ओ वाह बनाओ खैया अपने आप को अली अकबर के चश्म पे गिरा दिया ऐ मेरे भैया और ऐ मेरे भैया के बेटे